नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के ग्यारकुंड में एक दिन में दो सड़क दुर्घटना। आनंद मैरिज हॉल के समीप रविवार की देर शाम जेसीबी और ऑटो के सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 5 बच्चे महिला पुरुष मिलाकर 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान जेसीबी का चालक जेसीबी छोड़कर फरार हो गया। वहीं दुर्घटना में ऑटो चालक ऑटो में बुरी तरह से फंस गया, जिसे स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सभी घायलों को स्थानीय नर्सिंग होम में प्राथमिक उपचार कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही उप प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे तथा सभी घायलों को बेहतर उपचार के लिए धनबाद भेज दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि ऑटो में सवार सभी लोग चिरकुंडा से जोशपुर मदनपुर किसी कार्यक्रम में जा रहे थे। इसी क्रम में सामने से आ रही जेसीबी ने सीधी टक्कर मार दिया और चालक मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि इन दिनों बिना लाइसेंस के ऑटो से लेकर हाईवा जेसीबी मशीन गाड़ियों का कम उम्र के लड़के चला रहे हैं, जिसे ट्रैफिक नियमों का कुछ ध्यान नहीं। कान में मोबाइल ईयरफोन लगाकर गाड़ियां चलाते हैं तो कहीं शराब के नशे में ड्राइवरी करते हैं। धनबाद जिला ब्यूरो मलय गोप की रिपोर्ट। इधर से ऑटो जा रहे थे, जाते हुए सामने से पापलेन आ रहे थे, उधर जो ड्राइवर दिखाई नहीं दिया उसको नहीं दिखाई दिया, जाके पूरा चौक सबको पलटी मार गया। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? शादी में जा रहे थे।